हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज के इस क्लास के माध्यम से हम जानेंगे रिपीटिंग मंथ यानी कि वर्ष के वो महीने जो सेम टू सेम रिपीट होते हैं। क्लास को प्रारंभ करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आइए जानते हैं रिपीटिंग मंथ यानी कि समान महीनों वाले महीने। सर्वप्रथम हम जनवरी से दिसंबर तक के महीनों को एक कोड के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। कोड 144 025 036 146, इसे याद करने के लिए 12 का स्क्वायर 144 यानी कि 144, 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 025, 6 का स्क्वायर यानी कि 036 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 यानी कि 146, इस तरह हम 144 025 036 146 याद रख सकते हैं। और कोड जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, इसी तरह इन सब महीनों को कोड के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। ये कोड अगर साधारण वर्ष है तो इसी तरह प्रदर्शित होंगे, और यदि वर्ष लीप ईयर या अधिवर्ष है तो जनवरी और फरवरी के कोड में एक कम हो जाएगा, यानी कि जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 2023 जो कि एक साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष के कोड के अनुसार जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड 1 है, यानी कि जनवरी और अक्टूबर दोनों मंथ सेम टू सेम रिपीट होंगे। इस प्रकार जनवरी और अक्टूबर रिपीटिंग मंथ है। अगला फरवरी, मार्च, नवंबर, यानी फरवरी का कोड भी 4 है, मार्च का भी कोड 4 है और नवंबर का कोड भी 4 है। तो इस प्रकार फरवरी, मार्च और नवंबर तीन मंथ ये रिपीट होंगे सेम टू सेम। अप्रैल और जुलाई, यानी कि अप्रैल का कोड 0 है, जुलाई का कोड भी 0 है, तो अप्रैल और जुलाई मंथ के कैलेंडर सेम टू सेम रिपीट होंगे। सितंबर और दिसंबर, सितंबर का कोड 6 और दिसंबर का कोड भी 6, यानी कि सितंबर और दिसंबर महीने सेम टू सेम रिपीट होंगे। इस प्रकार हम समान महीने वाले महीने वर्ष में कब रिपीट हो रहे हैं हम जान सकते हैं, निकाल सकते हैं। यह चैनल पे आप सब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की जानकारी आप सबको मिलती रहेगी जो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद।